बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की और आतंकवाद पर उनको खरी खरी सुनाई। कनाडा से चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर आज पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खरी खरी सुना दी। मोदी ने सीधे कहा कि खालिस्तान को समर्थन देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने कनाडा को खालिस्तानी तत्वों की सूची सौंपी है। ट्रूडो ने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई होगी। कनाडा के पीएम को मोदी की खरी खरी। संप्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करने वालों और बंटवारे की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खालिस्तान समर्थकों से कनाडा की नजदीकी नहीं चलेगी। हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है। कनाडा में देश को बांटने वाली ताकतों के साथ दोस्ताना रवैया भारत को बर्दाश्त नहीं है। दरअसल कनाडा खालिस्तान समर्थकों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता है। ट्रूडो पिछले साल एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले का गुणगान किया गया था। भारत ने ट्रूडो के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर एतराज जताया था। कनाडा के मंत्रियों हरजीत सिंह सज्जन और अमरजीत सोही पर खालिस्तान के समर्थन के आरोप हैं। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता। 20 फरवरी को खालिस्तानी समर्थक आतंकी जसपाल अटवाल के साथ पीएम ट्रूडो की पत्नी ने मुंबई में तस्वीर खिंचवाई, जिस पर बवाल हुआ। इसके अलावा ट्रूडो के सम्मान में एक भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें अटवाल को निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि बाद में जब हंगामा हुआ तो निमंत्रण पत्र वापस ले लिया गया। हालांकि पीएम ट्रूडो पहले ही साफ कर चुके हैं कि कनाडा हमेशा अखंड भारत के पक्ष में है। पीएम मोदी ने इस बात की पुष्टि की है कि कनाडा उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो और मैं सहमत हुए हैं। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। दिबांग, ये सवाल हमारे कई दर्शकों के मन में होगा, मेरे मन में भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद आ रहा है वो तो देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये खालिस्तानी आतंकवाद भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है आज की तारीख में? देखिए, खतरा अब उस तरीके से ये नहीं है, पर जो आतंकी हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं, जिन्होंने यहाँ पर आतंकी घटनाओं में वो शामिल रहे हैं, उनकी एक सूची बना रखी है। समय समय पर राज्य सरकार और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है उसके अनुसार उनको लिस्ट से हटाया जाता है। ये जो अटवाल हैं, इनको 20 साल की सज़ा हो चुकी है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि दुनिया के 6 देशों में, यानी पाकिस्तान, अमेरिका, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी और कैनेडा, ये 6 देश हैं जहां अभी भी खालिस्तानी आतंकी रहते हैं। पर एक बात यह है कि भारत ने जिस तरीके से और जिस मजबूती के साथ, जिस दृढ़ता के साथ अपनी बात कनाडा को समझाई, कनाडा के प्रधानमंत्री को समझाई, वो एक देखने वाली बात रही। और इसमें आप भारत का जो लोकतंत्र है वो भी एक सामने आया, यानी बीजेपी, अगर आप पार्टी की बात करें, प्रधानमंत्री राज्य के जो कि विपक्षी दल के हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और अकाली विपक्षी दल, तीनों एक सुर में उनसे बोले। वरना उसमें जो आपकी जो राजनीति है, जब भी आप देश का मामला होता है, किस तरह से हमारी पार्टियां एक साथ खड़ी हो जाती हैं, उसका ये बहुत अच्छा एक तरीके से उदाहरण है। इनको पहले ब्लैकलिस्ट में थे ये अटवाल, अब इनको वॉच लिस्ट में रखा गया है, डाल दिया गया है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि कम से कम आतंकवाद का एक ऐसा मुद्दा जिस पर राजनीति ना हो, राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक पार्टियां साथ आए, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा साफ संदेश दिया कनाडा के प्रधानमंत्री को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।